हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माइंड जोन। दोस्तों, मैं हूं आकाश मंडोर, आप देख रहे हैं यूनिक एंड मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आप सबने ऑटोकैड का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। बहुत से बच्चे लेट में ज्वाइन किए थे। ये लेट वाला काम मत किया करो, क्योंकि उसमें से कई लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए जिसकी वजह से, क्योंकि वो लेट ज्वाइन किए थे। लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी ऑटोकैड नहीं आता है, ठीक है, जिनको अभी ऑटोकैड नहीं आता है एग्जैक्टली पूरी तरीके से। तो आज मैं आपको सजेशन दूंगा कि किस तरह से आप पूरा का पूरा ऑटोकैड अच्छी तरीके से सीख सकते हो, और प्लस जिसके जो टॉप मार्क्स हैं वो भी मैं बताऊंगा, जिसका कम है उसका नहीं बताऊंगा, कि उसको खुद पता है कि मुझे क्या बताने की ज़रूरत है। लेकिन आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अगर आप 30 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए थे तो, ठीक है। 30 में से 20 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करना चाहिए था आपको। जो भी किए थे मतलब वो सही थे, जो नहीं किए थे उनको नीड है। तो इसके लिए मैं स्टडी मटेरियल भी आपको दे रहा हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। आपके पास यूनिक सिविल ऐप होगा ही, क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था तो ऐप होगा ही। ऐप है तो ऐप में चले जाना, ऊपर देखोगे तो वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल है। फ्री स्टडी मटेरियल में मैंने एक बॉक्स बना दिया है ऑटोकैड स्टडी मटेरियल्स। उसमें मैंने जो मैक्सिमम पीडीएफ सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट मेरे पास हैं वो सारे आपको दे दिए हैं। जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी चीज़, उसको डाउनलोड करके पढ़िएगा भी, सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप में रखा न रह जाए, ठीक है जी। लैपटॉप से भी कर सकते हो। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना, वहाँ पर ऑटोकैड स्टडी मटेरियल में जाना और वहाँ पर सारी पीडीएफ्स हैं, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। चलिए अब बताता हूँ कि क्या बोलते हैं, कितना मार्क्स लोगों ने पाया। तो देखो, अगर मैं देखूँ तो एक बच्चा है जो सही तरीके से अच्छा मार्क्स गेन किया है, मोहम्मद फैजल। फैजल, अगर आप इस रिजल्ट को देख रहे हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना। बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आपने स्कोर किया है, इन्होंने 105 मार्क्स स्कोर किया है। विपुल हैं, इन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स गेन किया है, इन्होंने 66 मार्क्स किया है। जय पाए हैं 64, हर्षित पाए हैं 60, अमित शुक्ला पाए हैं 59, शामिन खान का बड़ा अच्छा स्कोर है। इन लोगों जो 50 प्लस हैं, एज में नहीं नंबर में, उनका मैं नाम ले रहा हूँ। अमित शुक्ला ने 59 मार्क्स पाया है, शामिन खान ने 58 पाया है, गौरव ने 55, सूर्या हैं 55, राहुल पाए 55, ऋषिकेश पाए 55 और अहमद खान पाए हैं 51, सूरज कुमार 50, रोहित पाए हैं 50 और अनिकेत भी पाए गए हैं 50 और सक्षम भी पाए हैं 50 और पोरिया पाए हैं 50 और इसके नीचे राजू हैं 49। उसके आगे और भी बहुत से लोग हैं तो मैं नीचे का नाम नहीं ले रहा हूँ। आप सबको पता है कुछ लोग माइनस में भी गए हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि कई लोग माइनस में भी हैं और कोई लोग 10-12 नंबर पाए हैं। सबसे अच्छा अगर स्कोर की बात करूँ तो टॉप 3 जो हैं वो हैं फैजल, विपुल और जय, ठीक है। फैजल सबसे अच्छा 105, बाकी विपुल ने भी अच्छा स्कोर किया 66 और जय ने भी किया है 64। तो आप सब अगर देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करना। प्लस आपको टेस्ट कैसा लगा था, क्वेश्चंस कैसे लगे थे, थोड़े से इनोवेटिव थे, थोड़ा सा ऐसा था कि यार दिमाग को फ्राई करने वाला था। आप जब किसी भी एमएनसी में जाओगे, रिटेन टेस्ट अगर होगा तो वहाँ पर इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको रिटेन टेस्ट पहला ही होता है। अगर आप इससे बाहर हो गए तो वैसे ही आपको बाहर कर देंगे। शॉर्टलिस्ट करने का तरीका है, इसके बाद नेक्स्ट राउंड भी होगा, बट ये स्टार्टिंग बता रहा हूँ एमएनसीज के लिए। अब आप में से कई ढेर सारे बच्चे हैं जिन्होंने ईटैप को भी पार्टिसिपेट किया और ऑटोकैड को भी पार्टिसिपेट किया। अब नंबर आ गया है स्टैट प्रो का। तो नेक्स्ट संडे को हमने प्लान किया है स्टैट प्रो टेस्ट सीरीज, वो भी ऐसे ही सेम टू सेम रहेगा। उसमें स्टैट प्रो प्लस स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, जिसमें आईएएस कोड पे मेन फोकस रहेगा मेरा, और साथ ही साथ स्टैट प्रो पे 30 क्वेश्चन सेम रहेंगे। आपको ज्वाइन करना है तो स्टैट लिखना है आपको, स्टैट TS यस इतना लिख देना है, मेरे पास आ जाएगा, मैं रिक्वेस्ट को ऐड कर लूंगा। लास्ट टाइम का तरह मत करना कि एंड लास्ट मोमेंट तक लोग ज्वाइन कर रहे थे, उसे क्या होगा कि आप पहले से परेशान हो जाओगे और जो मैं स्टडी मटेरियल देता हूँ वो भी आपके पास पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि आप लेट ज्वाइन करते हो। तो बेटर है कि आज ही ज्वाइन कर लेना स्टैट TS, ठीक है जी। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना और साथ ही साथ देखना संडे को आप लोग कितना स्कोर करते हो। बट मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी लोग 50 के नीचे के मार्क्स पाए हुए हैं उन लोगों को, या 50 के आसपास भी जो पाए हुए हैं उन लोगों को अच्छे से स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके पढ़ना चाहिए। और अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको रिवाइज करना चाहिए जो आपका पुराना कंटेंट है, क्योंकि अगर आप एमएनसीज में जाओगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा गाइस। और ये एक आपका एक तरीके से आप समझो तो आप खुद को जज कर लिए कि मुझे कितना हरा है, इसलिए बहुत अच्छी बात है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। कुछ महाशय हैं जिन्होंने ज्वाइन तो किया बट ऑन टाइम आके टेस्ट नहीं दिए, तो दैट मीन्स दे आर नॉट पंचुअल विथ
देयर कैरियर। तो ये आपका सीरियसनेस को दर्शाता है कि आप कितने सीरियस हो। जिन्होंने दिया उनको बधाई, जिन्होंने नहीं दिया है नेक्स्ट टाइम संडे को 11 AM पर फिर से ज्वाइन कर लेना भाई, और आपको अच्छे से मिल जाएगा। उसका स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ मैं ऐप के अंदर ही दे दूंगा, आप लोग आइएगा और अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। जितने लोगों ने फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक किया उनको सबको कांग्रेचुलेशन, ठीक है। आगे से मैं कुछ ऐसा प्लान करूंगा कि आपके लिए कुछ गिफ्ट भी कर सके, और अभी के लिए तो मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है। कुछ रहा तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले जो लोग रहेंगे उनको कुछ न कुछ गिफ्ट जाएगा। स्टेट प्रो का टेस्ट ज्वाइन करिए, उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा है तो अभी स्टेट प्रो तो आप ज्वाइन कर रहे हो तो दूसरों को ही भेज दो, पता चला वो बाद में देखेंगे तो उनका लेट हो जाता है, फिर उनको अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।